हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में जिसका नाम है रेजरेक्शन। अब देखो, सीक्रेट इन्वेजन एक ऐसी कहानी है जो कि कॉमिक के अंदर बहुत ज्यादा चली थी और ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी पे बेस्ड है, जहां पर होता क्या है कि धीरे धीरे अर्थ के ऊपर ना जिनमें ऑफिशियल पर्सन होते हैं और जो लोग होते हैं ना उनको स्क्रल्स जो है वो धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करते हैं। और मार्वल के अंदर जब ये कॉमिक्स आई थी ना, इट वॉज फैंटास्टिक, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। तो एक सेंसिबल बात थी कि जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना इसका एक रेंडेशन आपको देखने को मिलेगा। और आज इसका पहला एपिसोड था, फर्स्ट एपिसोड की अगर बात करें, ये कहानी ना बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। और जैसे ही मैं इस एपिसोड को देखना शुरू कर रहा था ना, मेरे को वो 2014 वाली विंटर सोल्जर की वाइब आनी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं जो स्पाई थ्रिलर काइंड ऑफ ड्रामा टाइप जो चीज़ें होती है ना, वो पूरे पूरे एपिसोड के अंदर थी। अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है, देन यू शुड गो डेफिनेटली वॉच दैट एपिसोड, बिकॉज इस एपिसोड के एंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा। फिर भी मार्वल वाले ने बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है इस एपिसोड की एंडिंग में, जिसको हम आने वाले मतलब थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं एपिसोड के बारे में, बताता हूं आपको कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जो कि ये पता कर चुका है कि जो स्क्रल्स हैं वो कई जगह प्लान कर रहे हैं बहुत सारे अटैक और बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट। अब नॉक जो एक बंदा है जो कि मार्वल की मूवीज को देखकर बैठा है और जो मार्वल की मूवीज को पढ़कर बैठा है, उसको एक बात पता है कि जो स्क्रल्स हैं एटलीस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो पूरे नहीं है। कैप्टन मार्वल के अंदर हमने देखे थे, साथ साथ वांडा विजन के अंदर एंड में हमने देखी थी, कोई भी पूरा स्क्रल नहीं था। अचानक से स्क्रल्स को क्या हो गया कि वो धरती के ऊपर सारे के सारे अटैक कर रहे हैं और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं। एक्चुअली में एक ग्रुप है स्क्रल रेजिस्टेंस का जिसका लीडर है ग्रैविक। अब ग्रैविक जो है एक ऐसा लीडर है या फिर एक ऐसा स्क्रल है जो कि मानता है कि निक फ्यूरी ने और टैलोस ने हमें प्रॉमिस किया था, कैप्टन मार्वल ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें एक अर्थ देंगे या फिर एक प्लैनेट देंगे जहां पर हमारे स्क्रल की जो पॉपुलेशन है वो जाके रह सकती है। लेकिन इतने सारे साल बीत चुके हैं, 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निक फ्यूरी ने और ना ही कैप्टन मार्वल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो अब हमें एक प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा और वो किसी और प्लैनेट पर सेटल नहीं होना चाहते, अब वो चाहते हैं अर्थ को ही वापस से लेना। तो सिंपल सा इस शो का प्रेमिस ये है और आने वाले एपिसोड के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सारे के सारे स्क्रल्स हैं, मतलब दो पार्ट में वो बच चुके हैं। अब जो अच्छे स्क्रल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पूरे स्क्रल्स हैं वो अर्थ को ही अपना प्लैनेट बनाना चाहते हैं और इसलिए वो कई जगह जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को हाईजैक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जो है ना वो सारी की सारी चीजें उनके साथ सेटल हो रही हैं। अभी निक फ्यूरी के पास में सिर्फ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैलोस है और टैलोस की जो वाइफ है सोरेन वो भी मर चुकी है। तो अच्छे स्क्रल्स की अगर बात करें तो वो तो बहुत ही कम बचे हैं और कहीं ना कहीं जो बुरे स्क्रल्स है ना उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, पूरे एपिसोड के अंदर हमें ये बताया गया है। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रैविक है वो एक और बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर रहा है मॉस्को के अंदर, यानी रशिया के अंदर। रशिया के काफी सारे लोगों को उसने ऑलरेडी एक तरह से हाईजैक कर लिया है, यानी उनकी पर्सनालिटी को अपने बंदों से रिप्लेस कर लिया है और धीरे धीरे वो अपनी जो आर्मी है ना उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आता है निक फ्यूरी। अब अगर निक फ्यूरी की बात करें तो निक फ्यूरी का ये जो स्टेटमेंट है कि मैं बहुत टाइम से पहले बाहर था, अब मैं धरती पर आ गया हूँ क्योंकि मुझे टैलोस ने बुलाया है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री के अंदर कहाँ पर वो पॉइंट था जहाँ पर जो हमारा निक फ्यूरी है ना वो एक्चुअली में एक स्क्रल से रिप्लेस कर दिया गया। अब आपको एक बार पता है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में आपको देखने को मिला था कि जो एक्चुअल में निक फ्यूरी हम पूरी फिल्म के अंदर फॉलो कर रहे थे ना वो एक स्क्रल था और वो भी कौन था, टैलोस। लेकिन वो जो स्क्रल था वो कब बना, यानी टैलोस ने निक फ्यूरी की जगह कब ली, सोरेन ने मारियल की जगह कब ली, ये पूरे तरीके से अभी फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद में क्लियर नहीं है। लेकिन एक मेजोरिटी हिंट हमें दिया गया है कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि शायद ब्लिप के बाद, यानी टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के बाद जो हमारी निक फ्यूरी है ना वो वापस से अपना जो सॉर्ड का स्टेशन था उसके ऊपर चला गया था और कहीं ना कहीं सॉर्ड का स्टेशन मतलब सेबर जो था उस पर चला गया था और कहीं ना कहीं अब टैलोस ने उसको बुलाया है तो वो वापस आ गया है। अब फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश करके दे दी गई है। पहला तो ये है कि जो टैलोस की बेटी थी गाया वो भी एक्चुअली में ग्रैविक के साथ जाके जुड़ चुकी है। ऐसा क्यों है वी डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसको भी कहीं ना कहीं फील होता होगा कि मेरे फादर ने जो सपना था हमारे लोगों का वो पूरा नहीं किया, हमारे फादर ने मुझे अबैंडन कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा जैसे बच्चे अपने माँ से गुस्सा जाते हैं, सेम इसी तरीके का सिचुएशन है और इसलिए जो गाया है वो अभी ग्रैविक के साथ है। लेकिन मैं एडमिट करके चल रहा हूँ और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आने वाले एपिसोड के अंदर ना वो ग्रैविक को छोड़कर वापस अपने फादर के साथ आ जाएगी। तो शो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से निक फ्यूरी है वो आ गया है, मारियल से मिलता है, टैलोस से मिलता है, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें वो कंफर्म करता है और जो प्लान होने वाला है अटैक उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एंड में होता क्या है, वो अटैक हो जाता है
और जो ग्रैविक है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुका है अपना फर्स्ट बहुत बड़ा अटैक करने में। अब जो शुरू में साइंटिस्ट दिखाया था ना, वो ये साइंटिस्ट बता रहा था कि एक और जो बड़ा अटैक है वो प्लान कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रैविक, लेकिन वो अटैक क्या है ये हमें शुरू के अंदर नहीं बताया गया। शुरू में हमें एजेंट रॉस दिखता है, जी हाँ, जो आपने ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में भी देखा है, वो पता चलता है कि एक्चुअली में जो उसके पास आया है ना वो एक्चुअली में एक स्क्रल है। मेरे मन में डाउट ये भी है कि ऑलरेडी मैंने देख लिया था कि भाई ये मतलब स्क्रल साफ पता चल रहा था जिस तरह से वो बात कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि भाई इसको शायद पता ना हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ ऑडियंस एज ऑडियंस हमें समझ में आया था कि भाई ये बंदा स्क्रल है। और कहीं ना कहीं उस अटैक के बारे में अगर बात करें ना, तो ये जो अटैक है ये अटैक क्या है हमें नहीं बताया गया है। मैं एक तीर छोड़ रहा हूँ, बता देता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो अटैक है ना ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, ये एक्चुअली में अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारने का अटैक है। जी हाँ, ये अटैक है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे हमला करने का। और शुरुआत में हमें ये नहीं बताया गया कि अटैक क्या है, लेकिन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, और ये अजम्पशन मेरा किसी हवा में नहीं है, मैंने ट्रेलर को अच्छे से एनालाइज किया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जो हमारा ग्रैविक है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मार देगा और उसका जो ब्लेम है वो आएगा निक फ्यूरी पे, जो कि आप सेकेंड या थर्ड एपिसोड के अंदर भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो ग्रैविक का प्लान है वो है सुपर स्क्रल बनने का, और शुरुआत के अंदर में बताया जाता है कि निक फ्यूरी को पता चला है कि कजाकिस्तान के अंदर से एक सैंपल चोरी हुआ है, वो सैंपल क्या है हमें नहीं पता है। What do you know about a heist at a black market storage facility in Kazakhstan happened a couple days ago? Maybe it's bomb or maybe it's biological material. क्योंकि हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी दिखा हुआ है कि शायद कल ऑब्सीडियन का डीएनए जो है वो ग्रैविक अपने पास लेकर आना चाहता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, शायद ये एक बॉम्ब हो सकता है बड़े मास प्रोपोर्शन का, या फिर एक कल ऑब्सीडियन जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर और अवेंजर एंडगेम के अंदर देखा था उसका डीएनए हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके जो ग्रैविक है वो सुपर स्क्रल बनना चाहता है। और एंड में क्या होता है, एंड में जब ग्रैविक अपना अटैक कर लेता है और वो आता है निक फ्यूरी बनकर और मार देता है मारियो हेल को, दिस मोमेंट वॉज लाइक यार क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मारियो हेल को हमने देखा है 2012 से अवेंजर की फर्स्ट मूवी से, और अब 2023 के अंदर लगभग 11 साल उस कैरेक्टर को देखने के बाद में फाइनली वो मर चुकी है। जी हाँ, मारियो हेल इज डेड। और जो शॉट हमें दिखाया गया था एंड में, मुझसे मुझे लग रहा था कि शायद एंड में आके वो यू बोल देगा कि भाई ये स्क्रल है और मारियो हेल नहीं मरी है, बट वो इतना लंबा शॉट था और मेरे को अभी भी डाउट है कि ग्रैविक स्क्रल को क्यों मारेगा, मतलब अपनी काइंड को क्यों मारेगा, ऑब्वियसली वहां पर वो मारियो हेल ही थी। और जो लंबा शॉट था ना उससे मेरे मन में डाउट तो आता है कि शायद स्क्रल निकले और मारियो हेल जिंदा हो, लेकिन ट्रेलर के अंदर हमें मारियो हेल को फर्स्ट एपिसोड के अलावा कहीं पर भी नहीं देखा है, तो आई थिंक मारियो हेल का जो कैरेक्टर है, कोबी स्मल्डर्स का जो कैरेक्टर है, दैट इज ओवर। इट वॉज अ वेरी बिग शॉक टू मी, जो कि मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन हाँ अगर स्टोरी को बिल्डअप करना है और ऑडियंस के बीच में एक हाइप बनानी है और उनको सेकेंड एपिसोड थर्ड एपिसोड के लिए वापस लेकर आना है, तो एक बड़ा हुक तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर कोई मेजर ट्विस्ट नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले एपिसोड के अंदर चेंज होने वाला है और बहुत सारे बंदे जिनको आपको लगता था कि ये बंदे स्क्रल नहीं है वो स्क्रल निकलने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो सीक्रेट एनर्जी का हैंडल है उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर भी हिंट दिया है कि इनमें से भी कोई बंदा स्क्रल हो सकता है। तो हाँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि 9 महीने बाद एक बहुत ही अच्छा शो आया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डिज़्नी प्लस का। आपने अगर फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, लाइक कर देना और बाकी सब तुम्हें बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।